हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोचक कहानी। आज का जो हम चर्चा कर रहे हैं कहानी के बारे में, वो कहानी माता पिता से रिलेटेड है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, कहानी का नाम है माता पिता। माता पिता से रिलेटेड कहानी है, तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। आप सभी से यही अनुरोध है, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी ही आंखों के सामने अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखना। ये वो समय होता है जब हम ईश्वर के इस लिखे को टाल भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दुनिया का सबसे मुश्किल चीज होता है, कुछ ऐसा चीज होता है जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल चीज होता है, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखना। जब हम ईश्वर के लिखे को टाल भी नहीं सकते हैं, माता पिता के वो खूबसूरत से चेहरे जब झुर्रियों से भर जाते हैं, एक माँ अपना बच्चा के लिए अपना सुंदरता त्याग देती है, और वही बच्चा क्या करता है, एक सुंदर पत्नी के चलते अपना माँ को त्याग देती है। अंतर यही है। तो क्या होता है, माता पिता के वो खूबसूरत चेहरे जब झुर्रियों से भर जाते हैं, उंगली पकड़कर चलाने वाले जब खुद चल नहीं पाते, सहारा देने वाले जब खुद सहारे की तलाश में घूमते रहते हैं। एक दिन ऐसे होता है, कोई भी माँ पिताजी होता है, वो अपना बच्चों को क्या करता है, उंगली पकड़ करके चलने के लिए सिखाता है, और वही माँ बाप एक दिन चलने के लिए तरसता है, मजबूर हो जाता है, नहीं चल पाता जब बूढ़ा हो जाता है, वो नहीं चल पाता। वो क्या करते हैं, जब खुद नहीं चल पाते हैं तो सहारा नहीं पाते हैं तो सहारा देने वाले जब खुद सहारे की तलाश में घूमते हैं, खुद वो परेशान रहते हैं कि कौन हमको अंगुली पकड़ करके चलने में सहायता करे। रास्ता दिखाने वालों को जब अपने ही रास्ते वीरान नजर आते हैं, और रास्ता दिखाने वाले जिस माँ बाप का हम लोग अंगुली पकड़ करके चलने के लिए, जिस माँ बाप ने हमें चलने के लिए सिखाया उंगली पकड़ करके, वही माँ बाप एक दिन क्या होता है, दूसरों का उंगली पकड़ने के लिए तरस जाता है, वो प्रतीक्षा में रहता है कि कोई आकर के हमको सहारा दे। और रास्ता दिखाने वाले को जब अपनी ही रास्ता वीरान नजर आते हैं, और रास्ता दिखाने वाले को ही अपनी ही रास्ता कैसे नजर आने लगता है, वीरान नजर आने लग, यानी कि कठिन हो जाता है उसके लिए चलना फिरना उठना बैठना कठिन हो जाता है, और खुद सहारे की तलाश में रहते हैं, और खुद सहारे की मदद की तलाश में रहते हैं। कौन रहते हैं, वो माता पिता मदद की तलाश में रहते हैं। रास्ता दिखाने वाले को जब अपने ही रास्ते वीरान नजर आते हैं, हंसकर बोलने वाले जब खामोश रहने लगते हैं, और हंसकर बोलने वाले कैसे रहते हैं, खामोश हो जाते हैं, शांत रहते हैं। अपने बच्चों की नज़र उतारने वालों की नज़रें जब धुंधली हो जाती है, और अपने बच्चों की नज़र उतारने वालों की नज़र जब धुंधली हो जाती है, ऐसे माता पिता का आप सभी ख्याल रखें, और ऐसे माता पिता को क्या करें, आप सभी ख्याल रखें। अगर ईश्वर मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं
ये मांगू कि हे ईश्वर, किसी के भी माता पिता को कमजोर, बीमार, लाचार ना करना। उनकी जितनी भी जिंदगी है वो सेहतमंद सेहतमंद रहे, प्रसन्न रहे। तो क्या हम मांगेंगे? अगर हमको भगवान कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो हम यही मांगेंगे, हे भगवान, किसी का माँ बाप को कमजोर और लाचार नहीं करें, जब तक रखें उसको सेहतमंद रखें, निरोग रखें, स्वस्थ रखें, ताकि वो चल फिर सके, उसे किसी तरह का परेशानी ना हो। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कहानी के बारे में, तो कहानी माता पिता से रिलेटेड था। तो दोस्तों कैसे लगा कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।